वैसे वैसे तो बहुत सारी वीडियो और बनाई जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के परस्पेक्टिव से सिलेबस कंप्लीट है। एक जो टॉपिक रह गया था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो था एवरेस्ट लाइफ और मीन लाइफ। एवरेज और मीन लाइफ क्या होता है? एवरेज और मीन लाइफ होता है कि रिवर्स ऑफ या इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यानी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें रेट कांस्टेंट है, उसका इनवर्स क्या होता है? इनवर्स को ही एवरेज लाइफ कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले, इनवर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्ब्डा इज नोन एज ऑफ ए, ऐसे देखो, इनवर्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्ब्डा ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब हमें पता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात हो रही है, तो यानी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होती है, उनमें वो किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। तो इनवर्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्ब्डा ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज एवरेज लाइफ, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड एज टॉ, लिख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ। ठीक है, तो क्या होगा? टॉ होगा 1/λ। वी नो दैट लैम्ब्डा इक्वल टू, जब हाफ लाइफ लिखते हैं रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या होता है? लैम्ब्डा टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ। तो मैं लैम्ब्डा लिख रहा हूं 0.693/T½ या T50। क्लियर? अब यदि मैं यहां रखूं लैम्ब्डा की वैल्यू, तो टो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/0.693, यह क्या है? 0.693 × T½। सॉल्व करते हैं तो टो की वैल्यू आती है 1.44 ऑफ T½। क्या आती है? यानी ये एवरेज लाइफ हाफ लाइफ का 1.44 टाइम होता है। तो एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1.44 टाइम ऑफ हाफ लाइफ, 1.44 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर? लिख सकते हैं ये होगा एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। मीन है ही मीन, मीन मीन लाइफ। क्लियर? अब मुझे दो चीजें डिस्कस करनी है, क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, वीडियो की लेंथ में इंक्रीज कर सकता हूँ, है ना, लेकिन छोटी वीडियो बनाऊंगा और दोनों चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग डाल देना मिसलेनियस, कॉपी के बीच में मिसलेनियस हेडिंग डाल लेना। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना मिसलेनियस। कुछ टॉपिक्स जो चीजें बताई जाती तो कोई बुरी बात नहीं थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वन नंबर डालेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, यही होती है। और यदि मैं कहूं A इक्वल टू, यहां से इरेज कर रहा हूं,
इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी इफ ए इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? ए इक्वल टू जीरो होने का मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये क्या है? यह रिमेनिंग अमाउंट है, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जीरो है। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी इफ ए इक्वल टू जीरो इट मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखो ध्यान से देखो, ए क्या है? जीरो है। इन टी क्या होगा? टी होगा टी हंड्रेड। देखो ध्यान करो, याद करो, मैं जब टी 50 लिखता था इसका मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। मैं टी 75 याद करो, टी 75 का मतलब क्या होता था? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। और टी 100 का मतलब क्या है? रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। T equal to T 100 होगा, तो A 0 रखता हूँ, तो A naught minus K T 100, तो T 100 कितना आएगा? देखो T 100 डायरेक्ट लिखा, देखो T 100 आएगा A naught upon K, A naught upon K, ठीक है, ये T 100 आता है, क्लियर। यदि मैं टी 50 की बात करूं, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या होता है? ए नॉट अपॉन टू के। अब रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो टी 50 और टी 100 में, टी 50 और टी 100 में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो किसके लिए? फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्लियर। फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होता है यदि किसी रिएक्शन के लिए दिया जाए पर्टिकुलरली कि ये रिएक्शन 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, तो हाफ लाइफ बता। तो क्या आपको पेन कॉपी पेन चलाने की जरूरत है क्या? क्या पेन और कॉपी की जरूरत है क्या? क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट टिक करोगे कि रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट हो रही है 2 घंटे में, तो हाफ लाइफ उसका आधा दे। ये एनोड बाई के है, तो एनोड बाई के का आधा कितना है? एनोड बाई टू के, क्लियर। ऐसा कर दोगे तो एक जो पॉइंट मुझे डिस्कस और करना था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पॉइंट नंबर टू, यहां लिखूंगा अगेन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट डिक्रीज होती है। देखो हम देख रहे, देखो या फिर इस पॉइंट को रहने दो, कंफ्यूज हो सकते हो। पॉइंट नंबर टू में फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूंगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। वास्तव में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो सेम टाइम इंटरवल में उतनी ही अमाउंट, जैसे एग्जांपल समझो, मान लो इन द बिगिनिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 100 मोल है या फिर ग्राम है। यदि मैं कहूँ 80 ग्राम होने में कुछ समय बाद, मैं कह रहा हूं उसको 10 मिनट बाद 80 ग्राम रह गए, ये क्या है? ग्राम, 80 ग्राम रह गया, तो बता 60 ग्राम बचने में, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 60 ग्राम है, 60 ग्राम्स है, तो टाइम बता कितना लगेगा? तो इसी टाइम इंटरवल में यहां से यहां कितनी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई? 20, और यहां से यहां भी कितनी ड्रॉप हो रही है? यहां भी 20 ड्रॉप हो रही है, यहां भी 20 ड्रॉप हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा, यहां भी सेम इंटरवल में सेम टाइम लगता है। आई थिंक बात क्लियर होगी जो मैं क्या कहना चाहता था। सेम टाइम इंटरवल में सेम जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होने में सेम टाइम लगता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लिख सकते हो, लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन सेम अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल टाइम
इंटरवल, इंटरवल क्लियर, सेम अमाउंट ड्रॉ इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ड्रॉ होती है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेना ये, तो यहां ऐसे करते हैं क्वेश्चन मार्क 20 ड्रॉप्स और यहां भी 20 ड्रॉप्स, सो क्वेश्चन मार्क, या मैं इसे एक्स लिख दूं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 10 मिनट होगा, अपनी लैंग्वेज में जैसा लिखना चाहें ऐसा लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं मिसलेनियस में मेरे पास, लेकिन कुछ ही डिस्कस करूंगा, ठीक है, सब नहीं, ठीक है, इरेज करूं, यस, पॉइंट नंबर थ्री में देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए, या फिर कैपिटल ए अपॉन सॉरी ए नॉट अपॉन ए। यदि मैं कहता हूं ए इक्वल टू जीरो, इट मींस टी इक्वल टू क्या होगा, टी हंड्रेड होगा। इट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस सिचुएशन में देखो, इट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड, देखो के इक्वल टू, या मैं कहूं टी हंड्रेड इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन जीरो। देखो ये क्या है, ए नॉट अपॉन जीरो इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट, यानी टी हंड्रेड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, टी हंड्रेड इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, लिख सकते हो, यानी मेरा फर्स्ट ऑर्डर में मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कह रहा हूं, चीजें कर सकते हो, सॉल्व है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, एक क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, रेज करूं, मेरे पास मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक हैं, करवा सकता हूं, है ना, वो बीच में भी हो जाते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, तो ठीक है, एक क्वेश्चन है, इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन व्हेन volume of vessel is reduced to one third, the rate increases 9 times, what is the order of reaction? बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? देखो रिएक्शन, देखो दोबारा बोलता हूं कि जो जिस वेसल में रिएक्शन करवा रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, यानी 3 times डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और रिएक्शन कितने टाइम हो गई, 9 times हो गई। आंसर करने वाला तो तुरंत टिक करेगा, है ना, लेकिन मेथड क्या है सॉल्व करने का, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जब मैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, जब पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, रेट होगा के, मैं उस रिएक्टेंट को क्या कह रहा हूं, सी कह रहा हूं, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, उसकी एंथ पावर पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन पावर एन, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो सी की पावर एन। अब कह रहा हूं वेसल का जो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम है वो 3 times कर दिया, और हम जानते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एन अपॉन वी होती है, क्या होती है, एन अपॉन वी, यानी कितना, सिंस सी इक्वल टू एन अपॉन वी, और रिजल्टेंट सी डैश कह रहा हूं, मैं सी डैश कह रहा हूं उसको, कितना वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम 3rd हो गया, ठीक है ना, 1/3 हो गया, 3 times, यानी वॉल्यूम का 1/3 कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी सी डैश क्या है, 3 times ऑफ एन अपॉन वी, देखो 3 times, या इसे ऐसा लिख दो आर इक्वल टू के सी की पावर, या एन अपॉन वी की पावर, या फिर ऐसे लिखो इसे एन की पावर एन हो जाएगा, तो है ना, इसे एक्स लिख दे, एक्स ज्यादा बेटर रहेगा, एक्स, ठीक है, क्योंकि ये मोल है और यहां ऑर्डर था, ठीक है। अब मैं कहूं आर डेस लिख रहा हूं, यानी जब वेसल का जो वॉल्यूम है 1/3 किया तो एक न्यू रेट आएगा, उसे आर डेस कह रहा हूं, वो क्या है, के और 3 times ऑफ एन अपॉन वी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं देखो आर डैश इक्वल टू 3 की पावर एक्स, ये सॉल्व करने का तरीका है, आंसर करने वाला तो तुरंत टिक करेगा कि ऑर्डर यह है, इक्वल टू एन अपॉन वी और एक्स, और विच इज इक्वल टू 9 times of r, क्या है 9 times of r, देख ये रहा ना 9 times of r। अब देखो कंपैरिजन कर लो, तो देखो कंपैरिजन करने पर देखो बाय कंपेयरिंग, देखो 3 की पावर x इक्वल टू क्या है 9, देखो 3x पर, तो x क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है x इक्वल टू 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है, करने वाला तो तुरंत कर जाएगा, लेकिन एक तरीका बताया है कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आंसर को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जेई लेवल में आते हैं, जेई में आते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, हो सकता है मैं असाइनमेंट अपलोड करूं, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप असाइनमेंट चेक करना, जो भी ऐप है कॉलेज की उसमें असाइनमेंट अपलोड होंगे, मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, बिल्कुल आप वीडियो देखेंगे, देखने के बाद असाइनमेंट चेक करना, असाइनमेंट्स कॉलम में असाइनमेंट होंगे, वहां से कुछ असाइनमेंट जितने मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे वो देखना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एडिट के साथ।